दोस्तों आईपीएल 2021 के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है सूर्य कुमार यादव के आरसीबी टीम की तरफ से खेलने को लेकर। दूसरी अपडेट है आईपीएल 2021 के नए स्टार्टिंग डेट को लेकर। इसके बाद बीसीसीआई की मीटिंग और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट आईपीएल 2021 के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है बीसीसीआई के एजीएम की मीटिंग को लेकर, जहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली आईपीएल 2021 के ऊपर एजीएम की मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि 29 मई को स्टार्ट होगा। और इस मीटिंग में बीसीसीआई फैसला लेगी कि आईपीएल 2021 के मैच कौन से देश में खेले जाएंगे और साथ ही T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश को मिलने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर की तरफ से, और आईपीएल के मेगा ऑक्शन में काफी हद तक चांस है कि मोहम्मद आमिर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे में मोहम्मद आमिर के ऊपर तीन टीमें बिडिंग कर सकती है, जिसमें पहला नाम है पंजाब किंग्स का, दूसरा नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का और तीसरा नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो ये तीनों टीमें मोहम्मद आमिर के ऊपर बिडिंग कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग मोहम्मद आमिर को आईपीएल 2022 में कौन सी टीम से खेलना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी और काफी बड़ी अपडेट है बीसीसीआई की तरफ से, जहां पर बीसीसीआई इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के मैचों की संख्या को कम कर देगी और उस विंडो में आईपीएल 2021 के शेष 31 मैचों को कंडक्ट करेगी। और इसके लिए बीसीसीआई और ईसीबी के बीच लगातार बातचीत चल रही है और इन दोनों के बातचीत में ये डिसाइड बीसीसीआई कर लेगी कि किस तरीके से आईपीएल के शेष 31 मैचों का आयोजन इंग्लैंड में कराया जाए। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर यानी कि मोइन अली की तरफ से, और मोइन अली आईपीएल 2021 में चेन्नई की टीम की तरफ से खेले थे, लेकिन जब आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैक्सिमम दो विदेशी प्लेयर्स को ही अपने स्क्वाड में रिटेन कर पाएगी। तो ऐसे में ज्यादातर चांस ये है कि चेन्नई की टीम पाप डू प्लेसिस को तो रिटेन करेगी ही और साथ ही साथ सैम करन को भी रिटेन कर लेगी। तो ऐसे में मजबूरन चेन्नई की टीम को मोइन अली को रिलीज करना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग सैम करन या फिर मोइन अली में से किस प्लेयर को चेन्नई की टीम को रिटेन करना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके अकॉर्डिंग चेन्नई की टीम को मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदना चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर, जहां पर काफी सारे इंडियन फैंस ये जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट कौन से टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा और मोबाइल फोन में कहां पर हम इसका लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर फाइनल कंफर्मेशन आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी। वहीं मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप्लीकेशन पर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टार इंडिया नेटवर्क के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का लाइव ब्रॉडकास्ट राइट्स है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है रिद्धिमान साहा और केएल राहुल की तरफ से, जहां पर रिद्धिमान साहा
कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब काफी बड़ी खुशखबरी है कि रिद्धिमान साहा पूरी तरीके से निगेटिव हो चुके हैं और इंग्लैंड टूर के लिए वो जल्द ही फ्लाइट पकड़ लेंगे। और साथ ही साथ केएल राहुल को भी जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्यूशन हो चुका है और केएल राहुल अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के रिद्धिमान साहा और केएल राहुल, ये दोनों इंडियन स्टार प्लेयर अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के रिटेन प्लेयर्स और आरटीएम कार्ड प्लेयर्स की तरफ से। जहां पर सबसे पहले रिटेन खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को रिटेन करेगी और उसके बाद जसप्रीत बुमराह को किसी भी हालत में अपने स्क्वाड में रिटेन कर लेगी। और साथ ही साथ यहां पर मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या को भी रिटेन करेगी। तो तीन इंडियन प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। वहीं आरटीएम कार्ड के जरिए कायरन पोलार्ड और ट्रेंट बोल्ट को ऑक्शन से अपने स्क्वाड में शामिल करेगी। तो इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम जिन पांच प्लेयर्स को रिटेन करेगी उसमें नाम आता है रोहित शर्मा का, उसके बाद हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और कायरन पोलार्ड। तो इन पांचों प्लेयर्स को मुंबई की टीम अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन कर लेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है सूर्य कुमार यादव के आरसीबी टीम में खेलने को लेकर, जहां पर हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में मुंबई की टीम चाह करके भी सूर्य कुमार यादव को रिटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी टीम मैक्सिमम तीन इंडियन प्लेयर्स को रिटेन कर पाती है। तो अनफॉर्चुनेटली मुंबई की टीम को सूर्य कुमार यादव को मेगा ऑक्शन में भेजना होगा और वहां पर आरसीबी की टीम पूरी तरीके से तैयारी के साथ आने वाली है और सूर्य कुमार यादव जैसे स्टार प्लेयर को अपने स्क्वाड में खरीदना चाहेगी, क्योंकि आरसीबी टीम को मिडिल ऑर्डर में एक बेहतरीन बल्लेबाज की जरूरत है और सूर्य कुमार यादव ओपनिंग बैटिंग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम सूर्य कुमार यादव को मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी और अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहेगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम को सूर्य कुमार यादव को टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2021 के नए स्टार्टिंग डेट को लेकर, यानी कि कौन से महीने में और कौन से तारीख से आईपीएल वापस स्टार्ट होगा। तो बीसीसीआई ये प्रयास कर रहा है कि इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैचों की संख्या कम कर दी जाए, यानी कि सिर्फ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाए और उसके बाद आईपीएल के शेष 31 मैचों को यूके यानी कि इंग्लैंड में स्टार्ट कर लिया जाए। और इसके लिए चार वेन्यू भी डिसाइड हो चुका है जहां पर आईपीएल के शेष 31 मैच कंडक्ट होंगे। तो यहां पर डेट्स के बारे में बात करें तो 29 अगस्त के बाद आईपीएल के शेष 31 मैच स्टार्ट हो सकते हैं। और टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करें तो 5 से 7 सितंबर के बीच में बीसीसीआई आईपीएल के शेष 31 मैचों को स्टार्ट कर देगी। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अगर इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में मैचों की संख्या में कमी होती है तो सितंबर के स्टार्टिंग में ही आईपीएल के शेष 31 मैच स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे और आईपीएल के शेष 31 मैच टोटल 20 दिनों तक चलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आईपीएल जब दोबारा स्टार्ट होगा तो यहां पर काफी बेहतरीन मजा आने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर, जहां पर मेगा ऑक्शन में दो नई टीमों को बीसीसीआई इंट्रोड्यूस करेगी और मेगा ऑक्शन 2 से 3 दिनों तक चलेगा। और आईपीएल 2021 के 31 मैचों के खत्म होने के बाद बीसीसीआई मेगा ऑक्शन को कंडक्ट करेगी, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो यही था आज के दिन में क्रिकेट से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।